हाँ जी स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने 4 न्यूमेरिकल्स कर लिए थे, अब हम करते हैं नेक्स्ट 3 न्यूमेरिकल्स। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं और जो ये न्यूमेरिकल्स है एनसीईआरटी का है, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं, काफ़ी कंसेप्ट आप इनसे सीखेंगे। तो देखिए हम स्टार्ट करते हैं, तो 5th न्यूमेरिकल। तो 5th न्यूमेरिकल को देखिए, सबसे पहले आप एज्यूमिंग कम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, कि साल्ट कम्प्लीटली डिसोसिएट हो रहे हैं, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ NaCl सोल्यूशन। NaCl सॉल्यूशन की मोलैलिटी आपको निकालनी है, जिसका वूज डेल्टा टी बी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डेल्टा टी एफ। कि NaCl सॉल्यूशन का एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टी बी न्यूमेरिकली इक्वल है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसके, ऑफ 0.2 मोलल एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन, इसके इक्वल है इन वोटर। इन वोटर मीन्स दो सॉल्यूशन बनाए, एक NaCl का और एक एल्यूमिनियम सल्फेट का, और दोनों को बोला है जो अपना ये NaCl सॉल्यूशन है उसका डेल्टा टी बी एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन के डेल्टा टी एफ के न्यूमेरिकली इक्वल है। तो अब बोल रहा है कैलकुलेट क्या करनी है आपको, मोलैलिटी किसकी, NaCl सॉल्यूशन की। तो देखिए हमारे को क्वेश्चन में गिवन है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ, न्यूमेरिकली इक्वल है, ये किसके लिए है, NaCl सॉल्यूशन के लिए, ये किसके लिए है, एल्यूमिनियम सल्फेट सॉल्यूशन के लिए। ये देखिए ये दोनों के लिए इक्वल है। अब हम दोनों का फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए NaCl के लिए जो डेल्टा टी बी का फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट, दोनों टूटेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा डेल्टा टी बी का, बनेगा KB इंटू मोलैलिटी इंटू आई वेंट ऑफ फैक्टर। इसके लिए क्या बनेगा, KF इंटू मोलैलिटी इंटू वेंट ऑफ फैक्टर। तो KB और KF दोनों गिवन है, नो प्रॉब्लम। मोलैलिटी एल्यूमिनियम सल्फेट की गिवन है 0.2, नो प्रॉब्लम। दोनों के आई गिवन है, क्या आई गिवन है, बिल्कुल आई गिवन है। देखिए एज्यूमिंग कम्प्लीट डिसोसिएशन ऑफ साल्ट, की साल्ट पूरी तरह टूट रहे हैं, और जब साल्ट की कम्प्लीट डिसोसिएशन होती है, जब साल्ट की कम्प्लीट डिसोसिएशन होती है तो आई किसके इक्वल होता है, उस टाइम पे आई इक्वल होता है सर कि जितने एक फॉर्मूला यूनिट से आयंस बनते हैं। तो NaCl के टूटने से कितने आयंस बनेंगे, 2, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, तो 2 आयन बने, तो इसलिए NaCl की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 NaCl के लिए। अब इसके NaCl की क्या वैल्यू होगी, अब कम्प्लीट डिसोसिएशन है, तो एल्यूमिनियम सल्फेट अगर टूटता है, एल्यूमिनियम सल्फेट अगर टूटता तो कितने बनेंगे, देखिए मैं लिख देता हूँ Al2SO4 थ्राइस अगर टूटता है तो क्या बनता है, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 आयंस प्लस SO4 माइनस 2, और कितने 3, कितने बनेंगे 3, तो टोटल कितने बने, 3 ये 2 ये 5, तो 5 आयंस आर प्रोड्यूस्ड By complete dissociation of this solute, therefore I की जो value है इसके लिए कितनी हो जाएगी, 5, I की value इसके लिए कितनी हो जाएगी, 5। बस morality की value देखो, तो देखिए I की इसकी हमारे को morality की value निकालनी है। अब देखिए KB की value given है 0.52, morality निकालनी है, I की value 2 है, will be equal to KF की value 1.86, morality दे रखी है 0.2, I की value 5, I की value 5, तो देखिए कैंसिल आउट हो जाएंगे सारी चीज़ें, है ना, मोलैलिटी की वैल्यू को मान लीजिए ये यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो मोलैलिटी बचेगी, तो मोलैलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 1.78 मोल्स पर केजी, 1.78 मोल्स पर केजी। तो ये था न्यूमेरिकल्स, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट था कि दो अलग अलग सॉल्यूशन की दो अलग अलग CP, इसके लिए डेल्टा टी बी, इसके लिए डेल्टा टी की न्यूमेरिकली इक्वल वैल्यू है। तो हमने दोनों का फॉर्मूला पुट किया, फॉर्मूले में देखा कि हमारे को जरूरत थी आई की, तो दोनों के लिए आई हमने निकाले क्योंकि कंप्लीट डिसोसिएशन थी। उसके बाद हमारे को एक की मोलैलिटी दे रखी थी, दूसरे की निकालने को बोल रहा है, KB KF भी गिवन है, M गिवन है, I गिवन है, I गिवन है, तो सारी चीज़ें कैंसिल आउट, सिर्फ मोलैलिटी इसकी निकालनी थी, इसकी मोलैलिटी आएगी 1.78। कैलकुलेशन कैसे वो आप कर सकते हो, कैलकुलेशन को मैं नहीं करवा रहा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये था बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल 5th। अब देखते हैं 6th को, तो आप नोट कीजिए इसको। हाँ जी नोट हो गया, वेरी गुड। क्या नोट हुआ, बहुत अच्छे नोट हो गया। तो देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, बहुत ही अच्छा न्यूमेरिकल है नेक्स्ट, वेरी वेरी गुड, आपकी तरह बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल है।
ओके तो देखिए, अरेंज द फॉलोइंग सॉल्यूशन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर ऑस्मोटिक प्रेशर, कि ये चार सॉल्यूशन दे रखे हैं हमारे को। अब इन चार सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, और इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर का। इंक्रीजिंग ऑर्डर किसका? ऑस्मोटिक प्रेशर। मीन्स हमारे को ऐसे लगाना है, पहले सबसे ज़्यादा, सॉरी पहले सबसे कम, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, फिर ज़्यादा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हमारे को मीन्स सभी का क्या निकालना पड़ेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो जिसके इन सॉल्यूशन में जिसके मोल्स ज़्यादा होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा। क्यों? ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ओनली डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स। तो जिस सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे उसी का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? ज़्यादा। तो हम सभी के अंदर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट है ए, ए के अंदर कंसंट्रेशन दे रखी है 34.2 ग्राम एक लीटर में। एक लीटर में कितने डिजोल्ड हैं? 34.2 ग्राम किसके? सक्रोज की। तो अब ये ग्राम में दे रखी हैं, अब इसको क्या मैं मोल्स में बना सकता हूँ? बिल्कुल, मास बाई में मोलर मास। सक्रोज का मोलर मास कितना होता है? 342। तो कितने मोल्स आ गए? तो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ से आए कितने आ गए? 1/10। 1/10 मीन्स 0.1। कितने मोल्स आ गए? 0.1। अब बी के लिए, बी के लिए निकालते हैं। बी क्या है? 60 ग्राम, 60 ग्राम मास है, मोलर मास डिवाइड बाई मोलर मास कितना ही होता है यूरिया का? 60। तो कितने मोल्स आ गए यहाँ पे? यहाँ पे मोल्स आया एक यूरिया का। अब सी का निकाल लेते हैं। सी, सी के कितने? 90 ग्राम पर लीटर। 90 ग्राम पर, एक लीटर में कितने ग्राम? 90 ग्राम। हमारे ग्राम से मतलब, हमारे को मोल से मतलब, तो मोल में कन्वर्ट करते हैं 90। किसके हैं? ग्लूकोज के। ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है? 180। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? नंबर ऑफ मोल्स आए सारे 1/2। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आए? 0.5। ओके, डी, डी में निकालते हैं। डी का देखिए, एक लीटर में कितने ग्राम? 58.5। ओके, और किसका है? सोडियम क्लोराइड। तो देखिए ये ग्राम में देखो, हमारे को मोल से मतलब मोल में कन्वर्ट करते हैं, मास बाई में मोलर मास। मोलर मास कितना होता है सोडियम क्लोराइड का? 58.5। तो यहाँ पे जो मोल्स आए, यहाँ पे जो मोल्स आए किसके आए? यहाँ पे जो मोल्स आए वो किसके आए? वो आए सर, सॉरी कितने आगे मोल्स? 1। मोल्स कितने आगे? 1। तो हमने सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, हमने सभी के नंबर ऑफ मोल्स निकाले, बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसके ज़्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज़्यादा। तो लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स सबसे ज़्यादा किसके हैं, सबसे कम किसके हैं? 0.1 ए के, 0.1। उसके बाद किसके हैं? उसके बाद है 0.5। ओके, उसके बाद बोला सर ये भी बात ठीक थी, ये भी बात ठीक थी, एंड इन दोनों के तो मोल्स एक जैसे आ गए, इन दोनों के मोल्स तो एक जैसे आ गए, अब क्या करें? दोनों के मोल्स तो इक्वल आ गए, तो ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल नहीं। अब हमारे को देखना है, अब देखिए, अब हमारे को देखना है नेचर ऑफ सोल्यूट। अब हमारे को देखना है नेचर ऑफ सोल्यूट। नेचर ऑफ सोल्यूट क्या देखें? देखिए ये सोडियम क्लोराइड है, डिसोसिएट होगा, यूरिया कुछ नहीं होगा, सक्रोज कुछ नहीं होगा, जो ग्लूकोज है, जो ग्लूकोज है उसका भी कुछ नहीं होना। तो ग्लूकोज, सक्रोज और यूरिया के साथ, तो जो इक्वल आए हैं वो किस किस के आए हैं? देखिए एक तो आए हैं यूरिया के, एक आए हैं यूरिया के, ओके, और दूसरा जो एक मोल आए हैं वो आए हैं डी, सोडियम क्लोराइड के, सोडियम क्लोराइड के। तो देखिए यूरिया कुछ नहीं करेगा, ना तो एसोसिएशन करेगा ना डिसोसिएशन करेगा, बट NaCl है, जो NaCl है वो तो अंदर जाके टूट जाएगा। किस किस में टूटेगा? Na पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव। तो कितने आयंस बनेंगे? कितने आयंस बनेंगे? 2। कितने आयंस बनेंगे सर? 2। 2 आयंस बनेंगे। तो जितने मोल्स बनते हैं, अब नंबर ऑफ मोल्स बढ़ गए, पहले कितने आए थे? एक, एक आया था, बट टूट के कितने हो जाएंगे? 2। तो मींस यहाँ पे एक्चुअल में NaCl के जो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? नंबर ऑफ मोल्स हैं सर 2। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं? 2। तो इट मीन्स यूरिया के मोल्स कितने हैं? 1, और NaCl के मोल्स कितने हैं? 2। क्यों है 2? क्योंकि डिसोशिएट होंगे, डिसोशिएट होने के बाद कितने हो जाएंगे? एक से कितने बनेंगे? 2। मीन्स एक्चुअल मोल्स कितने हैं? 2। तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे को मिल गए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे को मिल गई। देखिए तो सबसे ज़्यादा किसके होंगे? इसके, फिर इसके, फिर इसके। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये किसका है? 0.1 मोल किसके हैं? सक्रोज के। 0.5 मोल किसके हैं? 0.5 मोल्स हैं सर ग्लूकोज के।
और वन मोल किसके हैं, वन मोल है यूरिया के, और टू मोल किसके हैं NaCl के, टू मोल किसके हैं NaCl के। तो ये हो जाएगा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये हो जाएगा करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर, रीजन भी बताया है मैंने। अब दूसरा इसका तरीका है कि ये भी हो सकता था, दूसरा इसका तरीका बताऊं क्या, बोलो। चलो बता देता हूँ, देखिए दूसरा इसका तरीका ये भी था, नंबर मोल्स हमने निकाले सभी के, हम एक ये भी तो निकाल सकते ना फॉर्मूला, पाई इज इक्वल टू सी आर टी और इन टू आई, किसके केस में, एसोसिएटिंग और डिसोसिएटिंग के केस में। तो देखिए अब इसके लिए ना तो एसोसिएटिंग करना ना डिसोसिएटिंग करना, सी आर टी, बट यहाँ पे जो फॉर्मूला बनेगा वो बना सी आर टी इंटू आई। अब सभी में R से R कैंसल, T से T कैंसल, कंसंट्रेशन, अब यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या बनती, पॉइंट वन मोलर, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या बनती, वन मोलर, यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या बनती, 0.5 मोलर, और यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या बनती, वन मोलर, है ना, क्योंकि मोल्स तो यहाँ पे कितने ही आए थे, एक ही आया था एक्चुअल। अब जो टू से मल्टीप्लाई किया, देखिए आई निकाली यहाँ पे, ये किसका है, NaCl का, कितने मोल्स बनेंगे, दो, कंप्लीट ड्यूरेशन हमने मानी है, कंप्लीट ड्यूरेशन मानी तो दो मोल्स बनेंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, टू। तो देखिए यहाँ पे आंसर कितना आया, 0.1, यहाँ पे कितना आया, 1, यहाँ पे कितना आया, 0.5, और यहाँ पे कितना आता है, 2। रीअरेंज करिए, 0.5, 0.5, 1, 2। तो दूसरा तरीका ये भी था, दूसरा तरीका ये भी था। तो सिंपली मैंने कंसेप्ट से बताया कि नंबर ऑफ मोल्स के इक्वल होता है, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने सभी निकाल लिए। यहाँ पे डबल क्यों हो गई, क्योंकि डिसोसिएशन था इसलिए डबल हो गए थे, या फिर तीनों पे फॉर्मूला लगा दीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर का, सी आर टी, सी निकालिए, कंसंट्रेशन निकालिए, क्या होती है कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, पाई के केस में क्या होती थी मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स बाय में वॉल्यूम, तो नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाली थे 0.1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 0.5, तो हमने नंबर ऑफ, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स 1, बट इसके केस में क्या भी इंक्लूड होगा, वेंट ऑफ फैक्टर, क्यों डिसोसिएशन करेगा, और वेंट ऑफ फैक्टर आई, आई की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 2। तो इस तरह से सी आर टी साइज ये कैंसिल, आखिर में जो ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू इस ऑर्डर के अंदर, तो दोनों तरीके मैंने आपको बताए, तो किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन था 6th। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को तो बताओ, रीड आउट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नेक्स्ट, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको थोड़ा सा प्लस वन का कंसेप्ट आना चाहिए, जो आपने केमिकल इक्विलिब्रियम किया होगा, यानी कि इक्विलिब्रियम किया होगा, वो यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ओके, आपने रीड आउट कर लिया, बहुत अच्छे आपने रीड आउट कर लिया। तो देखिए क्या है, 0.6 मिलीलीटर ऑफ एसिटिक एसिड हैविंग ए डेंसिटी ऑफ 1.06 ग्राम पर मिलीलीटर, एसिटिक एसिड के 0.1 मिलीलीटर वॉल्यूम दे रखी है और जिसकी डेंसिटी ये है, डिजोल्व किया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर के, 1 लीटर वाटर के अंदर डिजोल्व किया गया है, तब डेल्टा टीएफ आता है, तब सॉल्यूशन का डेल्टा टीएफ आता है 0.0205 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट वेंट ऑफ फैक्टर, कैलकुलेट ये क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, आपने 11th में ज़रूर पढ़ा होगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, कि जो एसिटिक एसिड है उसका कितनी डिसोसिएशन का कांस्टेंट, तो ये कैसे निकलता आपने 11th में जरूर पढ़ाऊंगा, फिर भी मैं बताऊंगा आपको, अगर 11th में नहीं भी पढ़ा है तो आप मेरे साथ बने रहिए, मैं बिल्कुल बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। तो हम करते हैं इसको सोल्व, देखिए आई निकालना, वेंट ऑफ फैक्टर निकालना है, तो बाकी मैंने सारे न्यूमेरिकल से डेल्टा टीएफ या डेल्टा केबी, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डायरेक्ट फॉर्मूला करके करवाए हैं, जिसको आई को इंक्लूड, अब इसको मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से करवा देता हूं, तो आपको, ताकि आपको वो मेथड भी समझ में आए। तो देखिए हम देख लेते हैं, हमारे को क्या दे रखा है, वॉल्यूम दे रखी है एसिटिक एसिड की कितनी, 0.6 मिलीलीटर, और डेंसिटी दे रखी है किसकी, एसिटिक एसिड की कितनी, 0.106, देखिए 106 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, तो वॉल्यूम दे रखी है इस डिजाइन 1 लीटर ऑफ वाटर, अच्छा तो सॉल्वेंट की वॉल्यूम दे दी 1 लीटर, ओके, डेल्टा टीएफ दे दिया 0.0205 डिग्री से, देखिए सेल्सियस और केल्विन की जो वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज होती है वो सेम फ्रैक्शन से, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो केल्विन में भी कितना बढ़ता है, 1, 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो केल्विन में भी कितना बढ़ता है, 2 डिग्री केल्विन, इट इसीलिए सही, डिग्री सेल्सियस है
इसको हम केल्विन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, केफ की दे रखी वैल्यू, केफ की वैल्यू दे रखी है 1.86 केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। तो ये चीज़ें गिवन है। तो अब हम क्या करें, अब आई निकालना है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट निकालना है। तो देखिए आई निकालने के लिए हमारे, हम आई कैसे निकाल सकते हैं, एक तो तरीका है आई निकालने का, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू मोलैलिटी इंटू आई। ये मैंने हर न्यूमेरिकल में करवाया, इसलिए इस न्यूमेरिकल को मैं दूसरे तरीके से करवाता हूँ, इसको मैं करवाता हूँ। देखिए एक आई का फॉर्मूला हमने ये भी तो पढ़ा था, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैसा कैलकुलेटेड, डिवाइड बाई में मोलिकुलर मास कैसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। ये तरीका भी देता, हम इसको इस तरीके से करते हैं। देखिए हमारे को चाहिए मोलिकुलर मास कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड कैसे निकालते हैं, फॉर्मूले से। और फॉर्मूले से एसिटिक एसिड का अगर मास निकालते तो कितना आता है, मैं निकाल के नहीं दिखा रहा हूँ, कितना आएगा 60 ग्राम पर मोल। तो अब हमारे को निकालना है मोलिकुलर मास कैसा एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। अब वो किससे निकलेगा, जो एक्सपेरिमेंट का डाटा हमारे को गिवन है उससे। तो अब एक्सपेरिमेंटल जो ये मास है ये कैसे निकलता है, ये इक्वल होता है, मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, के एफ इंटू डब्लू टू इंटू 1000 डिवाइड बाई में डब्लू वन इंटू डेल्टा टी एफ। ये फॉर्मूला मैंने आपको काफ़ी बताया है। तो इस फॉर्मूले से हम एक्सपेरिमेंटल मास निकालते हैं, ऑब्जर्व मास निकालते हैं, क्योंकि डाटा एक्सपेरिमेंट का है। अब के एफ गिवन है, गिवन है सर, डेल्टा टी एफ गिवन है, गिवन है सर, डब्लू वन डब्लू टू गिवन नहीं है, ना तो मास ऑफ सोल्यूट गिवन है ना मास ऑफ सोलवेंट गिवन है, वो कैसे निकालें। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट दे रखी है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूट दे रखी है, तो मास निकाल लेंगे। मास किसका, सोल्यूट का, सोल्यूट कौन है, एसिटिक एसिड, कैसे निकलेगा, डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है, 0.6, डेंसिटी कितनी है 1.06 इंटू, और जो अपनी वॉल्यूम कितनी है 0.6, तो कितना आ जाएगा 0.636 ग्राम, कितना आ जाएगा 0.636 ग्राम। ओके, अब ऐसे ही हम निकालते हैं किसका, सोलवेंट का, सोलवेंट का मास कैसे, सर देखिए सोलवेंट की वॉल्यूम दे रखी है, सोलवेंट की वॉल्यूम दे रखी है, वाटर की वॉल्यूम दे रखी है, एक लीटर वाटर। तो अब मास कैसे निकालें, अब देखिए ये फैक्ट है, ये गिवन चीज़ें होती हैं, आप याद कर लीजिए कि जो वाटर की डेंसिटी वो कितनी होती है, 1 ग्राम पर मिलीलीटर, 1 ग्राम पर मिलीलीटर याद होना चाहिए आपको। तो अब डेंसिटी हमारे को याद है, वॉल्यूम दे रखी है, तो मास कैसे निकलेगा, ऐसे ही डेंसिटी टू वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है 1 ग्राम पर मिलीलीटर इंटू वॉल्यूम कितनी है, एक लीटर, एक लीटर को मैं क्या लिखूंगा 1000 मिलीलीटर, क्यों लिखूंगा, क्योंकि डेंसिटी किसमें गिवन है, मिलीलीटर्स में। तो मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम, मास कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। तो हमारे को मिल गया मास ऑफ सॉल्वेंट जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ डब्लू वन, मास ऑफ एसिड जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ डब्लू टू, दोनों चीज़ें मिल गई। निकालिए वैल्यू, के एफ की वैल्यू क्या है, देखिए यहाँ से निकाल देता हूँ मैं, के एफ की वैल्यू कितनी है, के एफ की वैल्यू है सर 1.86 इंटू, डब्लू टू की वैल्यू निकाल ली 0.636 इंटू 1000 डिवाइड बाई में, डब्लू वन की वैल्यू निकाल ली सर कितनी आई 1000। ओके, डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकाल ली, डेल्टा टी एफ की वैल्यू ये रही 0.0205। अब इनको अगर आप सोल्व करते हो तो ये जो मास आएगा वो आएगा 57.5 ग्राम पर मोल, 57.5 ग्राम पर मोल। अगर इसी वैल्यू को आप कैलकुलेट करते हो, सोल्व करते हो, तो जो आंसर आता है वो आता 57.5। तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया सारे मोलिकुलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड, और हमने निकाल रखा था कैलकुलेटेड। तो आई निकाल लें, कैलकुलेट्स को डिवाइड कर देते हैं एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से, तो कैलकुलेट कितना है 60 ग्राम, एक्सपेरिमेंटल कितना आया 57.5, तो आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1.04 अप्रोक्सीमेट इतनी ही आएगी जी, इतनी ही वैल्यू आती है 1.04। देखिए एक बार वैल्यू सही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ, वैल्यू है जो हमारी बिल्कुल, तो आई की वैल्यू इतनी ही आती है कैलकुलेट करने से 1.04 आई की वैल्यू आएगी। अब ये फिर से बताता हूँ मैं, आई हमने कैसे निकाला है, आई हमने निकाला मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेटेड, मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। अब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड का फॉर्मूला मैंने काफ़ी बार करवाया है ये, डब्लू टू कैसे निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डब्लू वन कैसे निकाला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ये आ गया हमारे पास मोलिकुलर मास एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड। अब कैलकुलेटेड को ऑब्जर्व से डिवाइड कर दिया
आई की वैल्यू आ गई। तो पहली चीज़ निकल चुकी है, पहली चीज़ जो हमारे न्यूमेरिकल से बोला था वो निकल चुकी है। अब निकालना डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो आपने पहली चीज़ निकाल ली है, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ओके समझ आया, वेरी गुड। तो आई हमने निकाल लिया है, आई को हमने निकाल लिया है, हाँ जी आई हमने निकाल लिया। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमारे पास आ गया, वेंट ऑफ फैक्टर इज 1.04। ओके अब निकालना के ए, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब देखिए जो डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कैसे निकालते हैं, देखिए मैं पहले बता देता हूँ, जो एसिड है वो किस में टूटेगा, CH3COOH, ये टूटेगा CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये 11th का कॉन्सेप्ट आपको पता है। करते हैं हम इसको कैलकुलेट करते हैं सर इस तरह से कि जो अपना इसकी कंसंट्रेशन को हम मान लेते हैं C, तो इनकी कंसंट्रेशन रिएक्शन के स्टार्ट में क्या होगी, 0 0। अब अगर 1 में से टूटता था अल्फा, 1 में से टूटता था अल्फा है ना, हमने सीखा है, तो C में से कितना टूटेगा, C में से टूटेगा सी अल्फा। सर नहीं समझ आया, 1 में से जो टूटते थे उसको किससे डिनोट करते थे, हम अल्फा से। तो अब सी ले लिए तो सी में से कितना टूटेगा, सी अल्फा। सर समझ नहीं, देखिए मैंने फिर से बताया था, एक एग्जांपल मैंने लास्ट वीडियो के अंदर दिया था, हम किसी भी चीज़ की वैल्यू कैसे निकालते हैं कि एक की वैल्यू से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो किसकी निकालनी थी, सी की, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किस से, एक की वैल्यू से, एक की वैल्यू कितनी है अल्फा, तो सी अल्फा। तो इट मीन्स इसके जो डिसोसिएट होंगे, ये इनिशियल कंडीशन है, ये डिसोसिएटिंग कंडीशन है, कितने डिसोसिएट हुए, सी अल्फा, तो इनके भी कितने बनेंगे, सी अल्फा। इनके इसके भी कितने बनेंगे, सी अल्फा, क्योंकि देखिए एक से एक बन रहा है, एक से एक बन रहा, तो सी अल्फा टूटे तो सी अल्फा इसके बनेंगे, सी अल्फा इसके बनेंगे। अब जो बच्चे हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन में कितने होंगे, सी में से सी अल्फा को माइनस कर देंगे, यहाँ पे सी अल्फा, यहाँ पे सी अल्फा। ओके नो प्रॉब्लम। तो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए अब हम निकालते हैं टोटल मोल्स रिएक्शन मिक्सचर में, टोटल मोल्स कैसे आएंगे, C माइनस में C अल्फा प्लस में C अल्फा प्लस में C अल्फा, ये हो जाएंगे टोटल मोल्स। और टोटल मोल्स ये किसके, रिएक्टेंट के, ये किसके, प्रोडक्ट के, ठीक है। अब के ए कैसे निकलता था, के ए ऐसे निकलता है सर कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, कंसंट्रेशन देखिए स्क्वायर ब्रैकेट से किसको दिखाते हैं, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की, एक रिएक्टेंट कौन है ये, इसकी कंसंट्रेशन कितनी आई, सी अल्फा। दूसरा रिएक्टेंट कौन है ये, इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी आई, सी अल्फा, डिवाइड बाई में कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये क्या थे, प्रोडक्ट। तो दोनों की प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का मल्टीप्लाई, उनकी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का आपस में मल्टीप्लाई करना, प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं। और नीचे क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट कौन था ये, इसकी कंसंट्रेशन क्या है ये, तो नीचे आ जाएगा ये सी माइनस में सी अल्फा, सी माइनस में सी अल्फा। मीन्स अगर डिसोसिएशन कांस्टेंट अगर हमारे को निकालना, तो हमारे को किसकी वैल्यू चाहिएगी, अल्फा की, किसकी वैल्यू चाहिएगी, अल्फा की। ये सारा का सारा जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया सारा का सारा प्लस वन में है, बट फिर भी अगर आपने प्लस वन में नहीं पढ़ा मैं फिर से बताता हूँ, डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है प्रोडक्ट गुना मल्टीप्लाई किसका, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है उनकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, फिर कंसंट्रेशन किसकी, रिएक्टेंट की। तो ये रिएक्टेंट थे, ये प्रोडक्ट थे, तो ये था डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट के लिए हमने देखा कि हमारे को जरूरत पड़ेगी अल्फा की, हमारे को जरूरत पड़ेगी अल्फा की। इसको थोड़ा सा और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए कैसे, क्या यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, यहाँ से कुछ कॉमन लिया जा सकता है, जी सर सी कॉमन लिया जा सकता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं के ए, के ए विल बी इक्वल टू ऊपर, ऊपर हम क्या लिखें, सी स्क्वेयर, देखिए सी का स्क्वेयर इंटू अल्फा का स्क्वेयर डिवाइड बाई में, नीचे क्या लिखें, C कॉमन ले लिया, C हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या रहेगा 1, यहाँ पे क्या रहेगा अल्फा, C से एक C कैंसिल, मीन्स क्या आएगा कैलकुलेटर, सी अल्फा स्केयर बाई में 1 माइनस अल्फा, सी अल्फा स्केयर बाई में 1 माइनस अल्फा। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, C क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन स्टार्टिंग में एसिड की कंसंट्रेशन। तो ये दोनों चीज़ें क्या हमारे पास हैं, अल्फा है हमारे पास, अल्फा नहीं है सर। और उसके बाद देखिए इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, कैसे आया है, क्यों आया है, किस तरह से आया, मैंने सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, मैंने प्लस वन का भी आपको पढ़ा दिया है, प्लस वन का भी एक्सप्लेन कर दिया है। तो जो K
के जो आया है डिसीजन कॉन्स्टेंट वो क्या आया था, सी अल्फा स्केयर बाई में वन माइनस में अल्फा। हमारे को दो चीज़ें, कंसंट्रेशन चाहिए, अल्फा चाहिए। पहले निकालते हैं हम अल्फा। अल्फा कैसे आती है सर, अल्फा किसकी है, डिसोसिएशन है, आइसी टूट रहा है। कैसे, क्या फॉर्मूला होता है सर, हमने निकाल रखा आई माइनस वन डिवाइड बाई में एन माइनस वन, आई माइनस वन डिवाइड बाई में एन माइनस वन। तो आई की वैल्यू है क्या हमारे पास, आई की वैल्यू है सर निकाल ली 1.04 माइनस में वन। एन की वैल्यू क्या है सर, एन की वैल्यू क्या है सर, देखिए मैंने बताया था एक एक एसिड के एक मोल टूटने से कितने आयन बनते हैं, तो एसिटिक एसिड टूटता है तो कितने मोल्स बने, कितने आयन्स बने थे, टू, कितने आयन्स बने थे, टू। तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टू। तो टू माइनस में वन कितना आया, इसको माइनस करते तो आया 0.04 और ये करते हैं तो वन, मीन्स कितना आंसर आ गया 0.04, कितना आंसर आ गया 0.04। तो अल्फा डिसोसिएशन की आएगी 0.04, या फिर इसको हम कह सकते हैं 4%। तो परसेंट में आएगी 4, परसेंट में आएगी 4 और एक्चुअल वैल्यू आएगी 0.04। ओके, नो प्रॉब्लम। अब क्या निकालना है सर, अब निकालना है डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट, बट उसके लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन निकाल देते हैं, कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाई में वॉल्यूम, ये तो ना कंसंट्रेशन, मोलरिटी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है क्या, बिल्कुल है सर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेते हैं। कैसे निकलेंगे, मास, मास ऑफ सॉल्यूट बाई में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट निकाला था बिल्कुल सर, 0.636 ग्राम आया था। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना होता है, एसिटिक एसिड का 60, एसिटिक एसिड का 60, और डिवाइड बाई में वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी है, एक लीटर, एक लीटर। तो ये आ गई हमारे पास कंसंट्रेशन, कितनी 636 बाई में 60, आ गई कंसंट्रेशन। बस पुट कर दीजिए वैल्यू, अल्फा आ गया, तो के ए निकाल देते हैं, यहाँ पर निकाल देते हैं के ए, कंसंट्रेशन कितनी है 0.636 डिवाइड बाई में 60 इंटू अल्फा कितना है 0.04, उसका क्या है स्क्वेयर, तो नीचे क्या है 1 माइनस में अल्फा, अल्फा कितना है 0.04। तो ये बस, अब आप इसको वैल्यू को सोल्व कर लो। अब अगर इसकी वैल्यू को आप सोल्व करते हो तो आपका आंसर आ जाता है के ए का। बस इसको आपको सोल्व करना है और इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस न्यूमेरिकल को भी देखा, बड़ा ही अच्छा न्यूमेरिकल था, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, और ऐसा ऐसा न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर, सीबीएसई के अंदर बहुत बार पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। किस तरह से हमने निकाला मैंने आपको बताया, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, पहले आई निकाला, आई का मैंने दूसरा तरीका बताया निकालने का, फिर हमने निकाला, हमने देखा कि के ए निकालना है, के ए के लिए क्या चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए, अल्फा चाहिए, तो अल्फा निकाला आई की हेल्प से, कंसंट्रेशन निकाला, दोनों को निकाल के फॉर्मूले इंपोर्ट कीजिए, आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके। तो ये थे आपके वेंट हो फैक्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल्स खत्म हो गए, मैं एक और वीडियो बनाऊंगा वेंट हो फैक्टर के न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो आई होप आपको जो न्यूमेरिकल्स मैंने करवाए हैं वो आपको समझ आए हैं, और अगर न्यूमेरिकल्स आपको समझ आए हैं तो आपको क्या करना है, जी आपको क्या करना है पता है, आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कुछ नहीं समझ आया, कुछ पीछे जो मैंने बता दिया ऐसा बोला हो कि वीडियो के मैंने पिछली वीडियो में करवाया था, तो उन चीज़ों को आप देख सकते हैं कैसे। बस आपको क्या करना है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उसके राइट साइड में एक ट्रायंगल का आपको सिंबल मिलेगा, उस ट्रायंगल पे अगर क्लिक करोगे तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिलेगा, वहाँ पे आपको लिंक मिलेगा 12th कंप्लीट केमिस्ट्री प्लेलिस्ट लिंक, उस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपके पास 12th की सारी वीडियोज़ मेरी आ जाएंगी सॉल्यूशन यूनिट की, वहाँ से आपको जो भी वीडियो देखना, जो भी टॉपिक आपको समझ रहा है वो आप टॉपिक समझ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो बड़ा ही मैं आपका आभारी हूँ। ओके, तो आप बस थोड़ा सा आभार और थोड़ी सी कृपा और मेरे पे कर दीजिए कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।